हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है 315 मेगाहर्ट्ज का आरएफ ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल, जिसका उपयोग हम किसी भी सिस्टम में रिमोटली कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जिसका रेंज लगभग 100 या 100 मीटर का होता है। इस मॉड्यूल का उपयोग हम हमारे आने वाले वीडियो में कुछ रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम बनाने के लिए करने वाले हैं। जिससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस कंट्रोलिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि इस आरएफ ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल भिन्न भिन्न प्रकार के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जब हमारे पास कोई भिन्न प्रकार का आरएफ ट्रांसमीटर मॉड्यूल हो और एक आरएफ रिसीवर मॉड्यूल हो, तो दोनों को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आरएफ ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल में कुछ सेटिंग होती है जिसका उपयोग सभी को नहीं पता होता है, तो आज के इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि अगर ये डिवाइस आपके पास है तो इस डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वो इसकी क्या क्या सेटिंग अवेलेबल है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। आरएफ मॉड्यूल को रिमोट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल को रिसेट करना होगा। रिसेट करने के लिए अगर सिंगल चैनल का मॉड्यूल है एक बटन होगा, और डबल चैनल का मॉड्यूल है तो ये इस प्रकार से दो चैनल होगा। तो हमारे पास डबल चैनल का ये मॉड्यूल है, इसमें दो बटन है, तो हमें एक चैनल को रिसेट करके आपको दिखाएंगे और एक चैनल के साथ में रिमोट को कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस बटन को प्रेस करके कुछ सेकंड तक रखना है और एलईडी ब्लिंक होके बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद में अब हमें बटन रिमोट के बटन को प्रेस करके देखना है क्या हमारा रिमोट के बटन प्रेस करने पे कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है क्या। तो देखिए, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही है, दोनों रिमोट के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। अभी हमारा जो मॉड्यूल है वो पूरा तरह से रिसेट हो चुका है और कोई भी रिमोट कनेक्ट नहीं है। अब मॉड्यूल से रिमोट कनेक्ट करने के लिए एक बार मॉड्यूल के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद में एक बार रिमोट के बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे एलईडी ब्लिंक होके बंद हो जाएगी। इसका मतलब हमारा रिमोट कनेक्ट हो गया है। अब हम इस मॉड्यूल को चार अलग अलग तरीकों से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके लिए हमें के अलग अलग मोड का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मोड को यूज करने के लिए हमें इस मॉड्यूल के बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे ही एक बार प्रेस करते हैं उसके बाद में जो हमारा आरएफ रिमोट होता है उसकी जिस बटन का भी उपयोग हमें चलाने के लिए करना है उस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, पहले मोड में ये जो बटन है उसको पुश करने पे लाइट ऑन होती है, जितनी देर तक पुश करके रखते हैं उतनी देर तक लाइट ऑन रहती है, और जैसे ही बटन को प्रेस करना बंद कर देते हैं तो लाइट भी बंद हो जाती है। यह पहले मोड में इस तरह से वर्क करता है। अब बारी आती है दूसरे मोड की। जब भी हम दूसरे मोड में आरएफ जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को दो बार प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम रिमोट के उस बटन को प्रेस करेंगे जिस बटन से हमें उस मोड को यूज करना है, तब हमें बटन को प्रेस करने से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद में जब भी हम बटन को प्रेस करते हैं उससे ऑन हो जाता है, लेकिन ऑफ नहीं होता है। ऑफ जब होता है जब हम कहीं और दूसरा रिमोट बटन या दूसरी बटन को यूज करेंगे, तो जिस बटन को कनेक्ट किया उस बटन से ऑन होता है और अदर बटन से ऑफ होता है। अब हमें तीसरा मोड का उपयोग करना हो तो आरएफ मॉड्यूल के उस बटन को तीन बार प्रेस करेंगे। जब हम तीन बार प्रेस करते हैं इस बटन को, तब हमारा आरएफ रिमोट की बटन को प्रेस करते हैं, तब जब भी बटन को प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है एलईडी, और जब ऑफ करना होता है तो उसी बटन को वापस प्रेस करने पे ऑफ हो जाता है। अदर बटन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस बटन को दबाते उसी बटन से ऑन होता है और उसी से वापस ऑफ भी होता है। तो ये होगा तीसरा मोड। अब इसमें एक चौथा मोड आता है जिसको हमें जिस मॉड्यूल के बटन को चार बार कंटिन्यूसली प्रेस करना है, उसके बाद में फिर रिमोट के बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही बटन प्रेस करने के बाद में ये कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद में ये जब भी हम रिमोट के बटन को प्रेस करते हैं तो एक सेकंड से भी कम समय के लिए ऑन होता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। क्योंकि हम रिमोट के बटन को प्रेस करके भी रखेंगे तब भी ये तरह से ही वर्क करेगा, तो सेकंड के लिए ऑन होगा और ऑटोमेटिक ऑफ होता है। तो ये चौथा मोड है। तो इस तरह से हम एक आरएफ मॉड्यूल को चार तरीकों से ऑन ऑफ करवा सकते हैं और उसका उपयोग हम किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आरएफ मॉड्यूल का उपयोग किस तरह से करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, ताकि आगे आने वाले आपको अच्छे से मिलते रहे।